आप सब के इस जबरदस्त आक्रोश को मैं प्रणाम करता हूं। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के वो 125-30 करोड़ लोगों का, जो आज देश के कोने कोने में मोदी सरकार की गलत नीतियों से, उनके धोखे से, उनके झूठ से, उनकी सरकार के निकम्मेपन से आक्रोशित है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की अपनी लीडरशिप, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मैदान में उस आक्रोश को इस विशाल रैली के माध्यम से ध्वनित करने का फैसला किया। आज हम यहाँ पर सब कांग्रेस जन और लोकतंत्र समर्थक इकट्ठा हैं और हम सब उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आक्रोश आज किसानों के मन में। आप देश के किसी किसान से पूछ लीजिए, जो भाजपा के अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए किसान हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए, वो सब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसान जो टकटकी लगाए हुए पिछले 4 साल से ये देख रहा है कि मेरे अच्छे दिन कहाँ तक पहुँच गए, और वो अच्छे दिन केवल मोदी जी की दाढ़ी में और उनकी जेब में उलझ करके रह गए। वो अच्छे दिन कहीं धरती पर नहीं आए। कहाँ है वो वादा जो उन्होंने किसानों की आमदनी को दुगना करने का किया था? दुगना तो छोड़िए, किसान के शरीर के कपड़े भी उतर रहे हैं, मगर मोदी सरकार के कानों में जू नहीं गए। संसद से वादा किया, देश से वादा किया बजट के जरिए कि हम तुम्हारी आमदनी को दुगना डेढ़ कर देंगे इस खरीफ की फसल से। मोदी जी, खरीफ की फसल तो छोड़िए, अब तो रबी की फसल भी खरीदी जा चुकी है। कहाँ है वो जोड़ा समर्थन मूल्य? जोड़ा समर्थन मूल्य तो एक तरफ रहा, किसान अपना गेहूं बेचने के लिए भी तरस रहा। किसान के साथ एक ऐतिहासिक धोखा हुआ। वो किसान, वो खेती जो यूपीए के समय में 4.5% वार्षिक विकास की दर से आगे बढ़ रही थी, आज लड़खड़ा रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। आज 2% की विकास दर खेती के क्षेत्र में नहीं रहेगा। आप पूंजी निवेश कर नहीं रहे हो, केवल घोषणाओं का निवेश करने का काम कर रहे हो, केवल झूठ का निवेश करने का काम कर रहे हो। झूठ से किसी की दशा नहीं सुधर। आज मजदूर आक्रोशित है, उसका गुस्सा खौल रहा है। ये पहली सरकार है जिसने मजदूर के ईपीएफ में कटौती करने का काम किया। जो मजदूर कल तक एडहॉक मजदूर था, वो मजदूर आज झाड़ी का हो गया है। और जो झाड़ी का मजदूर था, मोदी जी आपकी नोटबंदी के बाद आपके जीएसटी को एक तरफा लागू करने के फैसले के बाद, वो मजदूर अब काम के लिए तरस रहा है। उससे आपने लाखों करोड़ों मजदूरों के हाथ से काम छीन लिया है। ये आक्रोश उस बात का है, ये आक्रोश उन नौजवानों का है जिनको आपने ऐसा नशा चढ़ाया 2014 में कि वो मोदी 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 कहने लग गए। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाले मोदी जी, कहाँ हैं वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल की? अभी तक तो 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 8 करोड़ लोगों को नौकरी छोड़ दीजिए, मैं मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा
लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। आईटी से लेकर के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो, जहां नौकरियां सूख न गई हैं, जहां नौकरियां लोगों से छिन न रही हों। आपने वादा किया, कहा मैं महंगाई घटा दूंगा, इतनी घटा दूंगा कि आप खाते खाते नहीं थकोगे, क्योंकि आपका गेहूं, चावल, दाल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। और ये सस्ता करने वाले मोदी जी, जिस समय आप ये वादा कर रहे थे, उस समय एक गृहिणी 375 रुपये में सिलेंडर खरीदने का काम करती थी, आज वही सिलेंडर 750 से लेकर के 800 रुपये तक बिक रहा है। यह आपने चीज़ों को सस्ता करने का काम किया। हमारे समय में सबसे महंगी दाल 55 रुपया किलो थी, यूपीए के समय में, आज वही कोई दाल, सस्ती से सस्ती दाल भी इस मूल्य पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। कहाँ है महंगाई घटाने का तुम्हारा वादा? कहाँ है मोदी जी आपके वो वादा जिसके जरिए आपने हर गरीब के मन में आशा जगा दी, यदि तेरा खाता है तो मैं आया और तेरे खाते में 15 लाख रुपया आ गया। लोगों ने अपने खाते को देखते देखते खाते के पन्ने भी घिस गए, लेकिन मोदी जी आपका वादा वफा नहीं हुआ। कौन सा वादा है मोदी जी जो आपका वफा हुआ हो? और इसलिए आज ये रैली उस आक्रोश को भी ध्वनि देने का काम कर रही है, उसको भी गुंजायमान करने का काम कर रही है। आप एक वादा करते हो, जब उस वादे पर सवाल उठते हैं तो आप दूसरे वादे शुरू कर देते हो। और अभी अभी उन्होंने वादा किया, कुछ महीने पहले कहा मैं भारत बनाने का काम करूंगा, नया भारत बनाएंगे। और अब जब जब चुनाव आएंगे तो आप कहेंगे नया भारत तो तब बनेगा जब हम नई दुनिया बनाने का काम करेंगे। मोदी जी, आपके इस वादे से पहले यह आक्रोश रैली इस बात का संकेत दे रही है कि ये देश तुमको विदा कर देने का काम करेगा। 2019 आपकी विदाई के लिए जाना जाएगा, और देश के इतिहास में आप पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको जनता धुतकारने का काम करेगी। चुनाव में जीत हार होती हैं, मगर आपकी हार नहीं होगी, आपको जनता धिक्कारने का काम करेगी, क्योंकि आपने जनता के साथ किसी भी वादे को पूरा करने का काम नहीं। आज संविधान खतरे में है, आज देश की परंपराएं खतरे में हैं, हमारे सही सनातन धर्म की सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की भावना खतरे में है। आज देश की जो एक दोस्ताना प्यार और मोहब्बत का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान खतरे में है, और कुल मिलाकर के संविधान भी खतरे में है। मैं दोस्तों आप सबसे कहना चाहता हूँ, उस समय हम लोग 25-26 वर्ष के नौजवान थे जब इंदिरा जी के नेतृत्व में इसी स्थान पर रैली हुई थी, इसी स्थान पर, और लाखों की संख्या में कांग्रेस जन जुड़े थे। और उस रैली ने जो 1979 में हुई थी, उसने कहा था इंदिरा लाओ देश बचाओ, और आज हम फिर यहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर सड़कों में हमारे साथी बिखरे पड़े हैं, पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हुए साथी हैं। वो सब साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस रैली से संदेश जाना चाहिए कि राहुल लाओ लोकतंत्र बचाओ, राहुल लाओ संविधान बचाओ, राहुल लाओ किसान बचाओ, राहुल लाओ मजदूर बचाओ, राहुल लाओ नौजवान बचाओ। और मैं आप सबको आपके जोश के लिए, आपके जज्बे के लिए, आपके हौसले के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी, जय सोनिया गांधी।